उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन एवं डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में लोगों को डायबिटीज से जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा मधुमेह पदयात्रा एवं जन चेतना व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर रहीं। चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि को मेमेंटो देकर उनका स्वागत किया। मधुमेह पदयात्रा सिविल लाइन से प्रारंभ होकर जिला परिषद रोड कचहरी चौराहा गोलघर गणेश चौराहा होते हुए निजी मैरिज हॉल पर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में चिकित्सकीय सलाहकार डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे विश्व में मधुमेह रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जो लोग मधुमेही हैं उनमें से अधिकांश का रक्त शुगर ब्लड प्रेशर और रक्त वसा नियंत्रण में नहीं रहता है, क्योंकि उनको अपनी बीमारी के बारे में ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 2003 से जन जागरूकता के क्षेत्र में डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन कार्य कर रहा है और कोरोना काल में भी इंटरनेट और प्रतिमा जूम मीटिंग के माध्यम से इस कार्य को जारी रखा। वहीं एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि आने वाले समय में मधुमेह दुनिया की नंबर वन बीमारी होगी। पहले 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारी होती थी, लेकिन इस समय छोटे छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों में भी यह बीमारी हो रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। जिनको डायबिटीज की शिकायत है वह अपने डॉक्टर से परामर्श करके समय पर दवाई खाने से डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डायबिटीज बीमारी खत्म नहीं होगी और हो भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को बदलें, ज्यादा से ज्यादा टहलना खेलकूद व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें और अपने खान पान में कंट्रोल रखें, बाहर की कोई भी चीज ना खाएं। गेहूं की रोटी के साथ साथ एक बाजरे की रोटी जरूर खाएं ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इस अवसर पर संरक्षक कमल चौरसिया, अध्यक्ष वेद आनंद दुबे, उपाध्यक्ष डॉक्टर विद्यावती, सचिव प्रदीप चंद्र तिवारी, धर्मेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, राकेश सोनी सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत गुप्ता एवं चिकित्सा सलाहकार आलोक कुमार गुप्ता और एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। धूप में आने पर चेहरा से जो डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता के
जैसे आपको हमारे डॉक्टर आलोक और डॉक्टर अभिजीत बता चुके हैं कि हमारे बहुत पहले के ज़माने में डॉक्टर फ्रेडरिक हुआ करते थे, जिन्होंने मधुमेह की बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का उपयोग किया था, उसको डिस्कवर किया था। तो उन्हीं की याद में हम इस दिवस को मनाते हैं और हर साल जब भी हम 14 नवंबर को ये दिवस मनाते हैं, एक एक थीम उसके साथ जुड़ते हैं और इस बार की थीम एजुकेशन के ऊपर है। जैसे कि सर ने भी आपको बताया, एक्सेस टू एजुकेशन, और एजुकेशन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके पहले कि मैं अपने बात आपके समक्ष रखूं, सबसे पहले मैं बागेश्वरी मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, आपने इतनी सुंदर कविता यहाँ पे सबके समक्ष प्रस्तुत की। हम आपसे परमिशन लेके ये कविता अपनी अभी आने वाली ये कॉन्फ्रेंस 19 और 20 तारीखों को इसमें है, तो उसमें आपके प्रस्तुत करना चाहें और उसके अनुमति लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत गुप्ता, चिकित्सक, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के द्वारा। इसमें हर साल एक मोटो दिया जाता है। इस साल का हमारा मोटो है, आज शिक्षित तो कल सुरक्षित, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बदलती जीवन शैली के साथ हमारे युवाओं में डायबिटीज़ की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसा आकलन है कि आने वाले वर्ष 2045 तक हिंदुस्तान में 60% डायबिटीज़ के रोगियों में वृद्धि होने की संभावना है। इस चीज़ को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम अपने आज के वर्तमान के जो यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको जागरूक करें ताकि हमारी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी डायबिटीज़ से बची रहे। इस जागरूकता के लिए हम लोग आज एक डायबिटीज़ वॉक का आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने एक लेक्चर का और साथ में कुछ समारोह का आयोजन किया है, जिसके द्वारा हम ये कोशिश करेंगे कि लोग डायबिटीज़ के प्रति सचेत हों और समय से अपने इलाज को उसके लिए गंभीर हो सकें, ताकि आने वाले समय में वो जटिलताओं से और कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। देखिए, आज हम लोग यहाँ 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष में 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में बचपन से जानते आए हैं, लेकिन पूरे विश्व में 14 नवंबर सन 1993 से मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी जन जागरूकता अभियान के एक कार्यक्रम के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, रैलियाँ बच्चों को निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि इस साल हमारे अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ फेडरेशन, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने जो ध्येय वाक्य दिया है, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, आज शिक्षित कल सुरक्षित, तो हमें जनता को, जो मधुमेही हैं या जो मधुमेही नहीं हैं, बच्चों को, सबको जीवन शैली जनित जो बीमारियां हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब के प्रति उन्हें जागरूक करना है कि वो अगर उचित अच्छी जीवन शैली बचपन से ही अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो आगे चल करके वो बहुत सी जटिलताओं से, बीमारियों से बचेंगे और एक अच्छा स्वस्थ आयु पाएंगे। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम है कि आज शिक्षित तो कल सुरक्षित। तो आज हमारा मेन ध्येय है लोगों को शिक्षित करना इन दूषित जीवन शैली जनित बीमारियों के प्रति। मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता हूं, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर से। मैं उत्तर प्रदेश डायबिटीज़ एसोसिएशन का वर्तमान अध्यक्ष हूं और डायबिटीज़ सेल्फ केयर एसोसिएशन गोरखपुर में एक संस्था है जो 2003 से इस जन चेतना कार्यक्रम के लिए लगातार काम कर रही है और हर महीने हम बैठक करते हैं अपने मधुमेह रोगियों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, और कोरोना काल में हमने जूम मीटिंग शुरू किया, हर महीने हम जूम मीटिंग करते हैं। तो उसी संदर्भ में 2 साल से, चूँकि हम ये फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाए थे, तो इस साल हम एकत्रित होकर के 14 नवंबर को कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का, जैसे कि आप जानते हैं कि हम विश्व मधुमेह दिवस मना रहे हैं,
और इसका जो इम्पोर्टेंट थीम है वो लोगों को एजुकेट करना है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, जो कि एक पब्लिक हेल्थ लेक्चर के हिसाब से रखा गया। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ स्काउट बच्चे भी आए और हर सेक्शन से लोग थे, बुज़ुर्ग भी थे और महिलाएँ थी और यंग लोग भी थे। और ये जो कार्यक्रम डॉक्टर आलोक ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया ये बहुत अच्छा था। इसमें कुछ जानकारी जो हम बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि डायबिटीज़ या मधुमेह जो है वो दुनिया की नंबर वन बीमारी होगी और भारत में बहुत ज़्यादा लोग इसमें इससे ग्रसित होंगे। नंबर वन, नंबर टू जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो एज है, पुराने ज़माने में तो 50 के ऊपर हुआ करती थी, अब छोटे छोटे बच्चों से लेके यंग लोगों में भी हो रही है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और इसी के लिए ये जागरूकता अभियान, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें डायबिटीज़ कंट्रोल के बारे में, उसकी जाँच के बारे में, और डायबिटीज़ से भागे ना और गलत जानकारी के बजाय वो अपने कंसल्टेंट्स या किसी चिकित्सक को दिखा के उनसे परामर्श लें और दवाई लें और रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो मेरे ख्याल में डायबिटीज़ को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो डायबिटीज़ अगर उनमें ना हो, इसके लिए वो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अपने खान पान का व्यवहार थोड़ा बदल सकते हैं, साथ ही साथ वो खेल कूद, मतलब बैठने वाली ज़िंदगी जो है उससे हट के अपने को एक्सरसाइज और खेलकूद में थोड़ा सा व्यस्त रखें तो शायद किसी हद तक हम लोग डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में सक्षम होंगे। नहीं नहीं, डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हुआ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज है जिससे शुगर कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। संदेश हम यही देना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें और आगे ना फैलने दें, तो उसमें हमारे जितने भी जो मदर्स हैं और जो वयस्क हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो दो चीज़ों का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखें। एक तो अपनी लाइफस्टाइल बदलें, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना और खेल कूद उसके लिए प्रेरित करें। और दूसरा है खान पान, और खान पान में जो है अपना खाना कंट्रोल रखें। बाहर के जैसे बच्चे आजकल पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब खाते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। और तीसरा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जैसे हमने बताया कि सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, अपने खाने में मिलेट इंक्लूड करें, बाजरा, ज्वार, रागी, इसकी जैसे रोटियां बना करके तो अपने खाने में थोड़ा थोड़ा ये इंक्लूड करेंगे तो फाइबर, मिनरल्स और डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, और गलत जानकारी मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ना लें। आप ऑथेंटिकली आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उनके साथ बात करके आप उसका निवारण कर सकते हैं। घरेलू उपाय भी, घरेलू उपाय में ऐसा बताया जाता है कि देखिए करेला और नीम का जो रस होता है वो इसमें फ़ायदा करता है, लेकिन क्योर नहीं करता, दवाई आपकी बंद नहीं होंगी। आप ये मान के चलें कि कोई भी दवा लेने से ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा नहीं आज मैंने दवाई ली और जादू से ख़त्म हो गया। बीमारी आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, एक बार डायबिटीज़ हो गई, लेकिन हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आपका 400 था, आप नॉर्मल में ला सकते हैं। नॉर्मल में लाने के लिए आपको कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, खान पान में बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको करने, और थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जो हैं आपकी शरीर को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अगर करेंगे तो हम बहुत हद तक अपनी कम दवाइयों के रहते हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड शुगर।